मध्य प्रदेश के सागर जिले के खोराई विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सागर जिले के खोराई विधानसभा क्षेत्र के बरौदिया नौनागिर गांव में शनिवार की रात एक विवाद हुआ था और इस विवाद के दौरान राजेंद्र हिरबार की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी भतीजी अंजना भी एम्बुलेंस से कूद गई थी जिसकी मौत हो गई। अंजना के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वह बरौदिया नौनागिर गांव पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, जरा आप सुन लीजिए। एक राजीव, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ जी, तीन गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल था, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी एससी एसटी के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे, इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, दी क्या? और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।